नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। आपने कश्मीर का सेब तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम आपको गाजीपुर के सेब के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको सुन के आपको हैरानी होगी। आपको बता दें कि गाजीपुर के एक युवक ने अपने फार्म हाउस पर एक प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने 44 डिग्री की गर्मी में भी हरमन 99 प्रजाति आदि सेब की खेती करके कमाल दिखाया है। बताया कि सेब उगाने का सिलसिला 3 साल से चल रहा था, जिसको वह एक प्रयोग के तौर पर कर रहे थे, लेकिन अब वह इस सेब की खेती को विस्तार देंगे। मेरा नाम सुनील कुशवाहा, रहने वाले गाजीपुर के। ये जो आप देख रहे हैं, ये सेब के पौधे हैं, क्योंकि सबको दिख रहा होगा फल। और ये जो प्रजाति है, ये हरमन 99, और इसे ईजाद किया हरमन शर्मा जी ने। इस पूरे प्लाट में 3 प्रजातियां लगी हुई हैं, हरमन 99, हरमन 99 जिसे हम कहेंगे, डॉर्सेट गोल्डन और अन्ना वेराइटी। 3 वेराइटी लगा रखा मैंने, क्योंकि ये जो भी पौधे लगे हैं, ये जो भी वेराइटियां हैं, इसे 45 से 48 डिग्री के टेम्परेचर में ये पौधा सर्वाइव करता है। और सर्वाइव करने का सबसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ सर्वाइव किया तो उसका कारण ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो किसान, जो हमारा जो भी खेती करता है किसान, वो जान नहीं पाता और उसे डाल नहीं पाता है। कुछ ऐसी दवाएं आती हैं जो मौसम के विपरीत परिस्थिति में भी पौधों को जिंदा रखती हैं और सर्वाइव कराती हैं। तो इस पे मैंने उसका बराबर उपयोग करता रहा, जिसे हम बार बार कहते हैं, किसानों को भी समझाते हैं, OSA आर्थोसिल्सिलिक एसिड स्ट्रेस आउट के नाम से मिल जाता है ये। इसका उपयोग किसान करेगा तो विपरीत परिस्थिति में भी पौधा सर्वाइव कर लेता है। ये आइडिया तो हमें एक तरह से यूट्यूब और गूगल बाबा की देन है। पहली चीज़ बता दें, जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि वाराणसी में भी सेब लगा हुआ है, और उस गांव में सेब लगा हुआ है जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद ले रखा है। जब यहां से वो जीत के गए थे तो उस गांव को उन्होंने हरमन 99 की वैरायटी का पौधा दिया था। तो जब विकिपीडिया पे देखा गया तो सर्च किया गया तो कुछ नाम निकल के आया कि इन इन किसानों के पास ये पौधे लगे हैं। तो हम लोग चले गए वो देखने कि क्या ये पौधे लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो हम थे और हमारे एक प्रेरणा स्रोत कह लीजिए शशि प्रकाश सिंह थे। हम दोनों लोग गए और जब देखे वहाँ पे तो पता चला कि जितने किसानों का नाम दिया गया था, उन किसानों के पास पौधा नहीं था। लगा जरूर था लेकिन बचा नहीं। क्यों नहीं बचा? जब इसका कारण निकाला गया तो सर ने कहा कि एक बार आप हिमाचल विजिट करो, देखो क्या है, कुछ सीख के आओ, जान के आओ, चूँकि हमारे यहाँ के लिए पौधा नया है। 48 में सर्वाइव तो करता है लेकिन कैसे सरवाइव करेगा, ये भी गुण आना चाहिए। तो जाके देखा गया तो पता चला कि क्या है। तो वहाँ जाके देखे, समझे, फिर उस चीज़ को आके अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किए तो हमारा पौधा सरवाइव करना चालू कर दिया। पहले तो इसको लगाने का समय जान लीजिए दिसंबर से जनवरी में इसको हम लगाएंगे। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं कि एक पौधे को, जिस ये जो पौधा हम लगाएंगे, इसको कम से कम 160 घंटा चिलिंग हावर चाहिए। 320 घंटे चिलिंग हावर मिल जाते हैं तो इस पौधे के लिए और अच्छा होता है। ये साल भर की अपनी चिलिंग लाइफ साइकिल जी लेता है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि दिसंबर और जनवरी में, कितना भी जल्दी गर्मी आ जाए, तो दिसंबर और जनवरी में हमारे पौधे को 320 घंटे ठंडी का हावर घंटा मिल जाएगा। तो ये अपना पूरा साल भर बढ़िया से सर्वाइव करेगा। क्वालिटी में आप सीजन में आने से एक तो लाभ है किसान को, उसकी आय दोगुनी चारगुनी जो हम कहते हैं हो जाएगी। क्योंकि सीजन में जब आता है तो रेट कम मिलता है, ये आप सीजन में आएगा रेट ज़्यादा मिलेगा। रहा दूसरा सवाल स्वाद में, तो स्वाद में कोई अंतर नहीं है, स्वाद में कोई अंतर नहीं, मिठास उसी तरह का इस सेब का है। और साइज भी देखा जाए तो आप जम्मू और कश्मीर वाली साइज भी आप पा जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो आप फल देख रहे हैं, हर पौधों पर फल आया हुआ है, अभी भी इसको परिपक्व होने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। थोड़ा सा किसानों को इसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा, अवेयरनेस की कमी, किसान को समझाना बताना पड़ेगा। अभी तो ये कोतूहल मचा है कि गाजीपुर में, खास तौर से ईस्टर्न पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेब की खेती असंभव है, जिससे भी हम चर्चा करेंगे। वो एक प्रकार का, शुरू में हम भी चर्चा किए तो लोगों ने हमें एक तरह से
पागल कहा, बेवकूफ का जो भी कहे, लेकिन जब फल आने लगा है तो लोगों को अब लग रहा है कि नहीं ये हो सकता है। एक बीघे में धान गेहूं में किसान बहुत ज्यादा कमाएगा, खर्चा काट के, लेबर खर्चा, बीज खर्चा, सारा खर्चा काट दें तो 25 से 30 हज़ार उसको जाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसे अगर एक बीघा लगा दे किसान, तो जहाँ तक हमारा मानना है एक बीघे में कम से कम 3 से 4 लाख की भी कमाई कर सकता है। समय के हिसाब से मतलब कुछ प्रजातियां ऐसी आ गई हैं कि जो कि हर क्षेत्र में उगाई जा रही हैं, लेकिन अब यह देखना है कि मतलब कि उसके आप तो अभी देख करके आए हैं तो उसमें बता रहे हैं कि फ्रूटिंग अच्छी हुई है, लेकिन बस अब यह देखना है कि जो मतलब कि हमारे यहाँ जो कश्मीर के सेब में जो कलर योरमा या जो तरह के साइज होती है वो हमारे यहाँ के सेब में हो रहा है कि नहीं है। लेकिन हम लोग तो समझते थे कि वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन वो जो वेराइटी आपने बताया कि कौन 9 हरमन 99 आपने बताया कि वो प्रजाति हमारे यहाँ के सुनील कुशवाहा ने उगाया है, उस पर बम्पर फ्रूटिंग भी हुई है। बस हमको दो चीज़ से डर लगता है कि उसके अंदर उस प्रकार का टेस्ट डेवलप होगा कि नहीं, उसके अंदर उस प्रकार का कलर डेवलप होगा नहीं, और यदि उस तरीके का कलर और डेवलप नहीं होता है तो जो मार्केट के अंदर जो सेव का जो मतलब कि मार्केट में जो प्राइस है वो प्राइस उसको नहीं मिलेगा।